हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपनी आईडी को बचा कैसे सकते हो। जैसा कि आपको पता है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से ये उड़ गई है गेम, ठीक है ना। अब काफ़ी सारे बंदे ये सोच रहे हैं कि हम BGMI से पबजी में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, पहली बात तो ये। बाकी काफ़ी सारे बंदों की आईडी बैन हो रही है, मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मेंशन आए, मैंने सबको रिप्लाई भी दिया जिनका मैंने देखा। अब मैं आपको बता देता हूँ उनकी आईडी बैन क्यों हो रही है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो काफ़ी सारी वीडियोज़ बन रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो अभी 100 तरह के ओपिनियन निकल के आएंगे, बट आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे बंदे की वीडियो देख लेते हो जिसने सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो डाली है तो उसमें आपका लॉस हो जाएगा, आप अपनी आईडी से हाथ धो बैठोगे। देखो गेम रहे ना रहे, आईडी रहेगी तभी आगे खेल पाओगे ना। आईडी रहेगी अगर गेम आ गई वापस, जैसे अभी उड़ी है, ठीक है, प्ले स्टोर से उड़ गई, ऐप स्टोर से उड़ गई। अगर आपके पास आईडी ही नहीं रहेगी बाद में आप खेलोगे किस पे, अगर गेम वापस आ भी जाती है। अभी मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूँ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूँ, जो गेम है बैन तो हो गई है बट परमानेंट बैन अभी तक नहीं लगा है, क्योंकि आपको पता होगा जब पबजी बैन हुई थी हम उसे VPN लगा के खेल पा रहे थे, बट बिना VPN के जब हम ऑन करते थे ना तो एक एरर आता था, गेम ऑन ही नहीं होती थी, है ना, याद होगा काफ़ी सारे बंदों को, क्योंकि सभी इस वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे थे उस टाइम पे। काफ़ी सारी वीडियोस बनी थी ऐसे खेलो वैसे खेलो, ऐसे VPN लगा के नहीं खेलनी, वैसे VPN लगा के नहीं खेलनी, तो काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स उस टाइम भी आई थी। बट BGMI के साथ ऐसा नहीं होने वाला, BGMI ग्लोबल नहीं चल रही थी, BGMI सिर्फ इंडिया में चल रही थी, तो ये इंडिया की गेम है, सर्वर इंडिया के हैं। अगर इंडिया का सर्वर ही ख़त्म हो जाएगा तो किसी और VPN पे जाके आप कैसे खेल सकते हो। जब गेम ही इंडिया की है तो आप सिंगापुर का VPN या फिर कनाडा का VPN या फिर यूनाइटेड स्टेट का VPN लगा के कैसे खेल सकते हो, क्योंकि वहां पर तो गेम ही नहीं है। अगर आप किसी और कंट्री में जाके BGMI ऑन करोगे आपकी गेम ऑन ही नहीं होगी, तो VPN लगाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना। अब काफी सारे बंदे ये सोच रहे हैं जिनकी गेम ऑन नहीं हो रही है, अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, तो मेरी जो गेम है वो प्रॉपर अच्छी चल रही है। मैं आपको करियर रिजल्ट दिखा देता हूँ, 11 किल मैंने किए थे, कॉन्कर पुश कर रहा हूँ मैं, ये गेम प्ले मैं रात को डालूंगा 9 बजे अपने सेकंड चैनल पे। एंड यहां पर देखो 13 किल है, यहां पर देखो 5 किल है, तो मेरी गेम तो बहुत अच्छी चल रही है। रैंक पुश लॉबी में इतने किल करना आसान नहीं है, अगर मेरी पिंग हाई होती या फिर ऊपर नीचे होती तो मैं इतने किल कर ही नहीं पाता, तो मेरी गेम अच्छी चल रही है। अब काफी सारे बंदों की गेम नहीं चल रही, तो मैं वाईफाई पे खेलता हूं। कुछ सिम होंगे जो ब्लॉक कर चुके होंगे इस वाली गेम को, जैसे पिछली बार हुआ था जब पबजी बैन हुई थी तो काफ़ी सारे सिम ने ब्लॉक कर दिया था, जैसे जियो पे चल रही थी, एयरटेल पे नहीं चल रही थी, ऐसा कुछ सीन उस टाइम पे हुआ था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, बट वाईफाई पे सबकी चल रही थी। एंड एक चीज़ और हुई थी कि गेम बैन होने के बाद VPN लगा के हम खेल पा रहे थे ना, तो इस तरीके से उस टाइम पे गेम चल रही थी। बट अभी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, देखो गेम जो है वो बैन तो हो गई है क्योंकि प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से उड़ गई है, एक तरह से बैन हो गई है, बट ये परमानेंट बैन है या फिर टेम्परेरी बैन है ये नहीं पता है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से या फिर क्राफ्टन की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि क्राफ्टन को खुद नहीं पता क्या हुआ है। एंड सरकार ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है कि उन्होंने किसी गेम को बैन किया है। जब फ्री फायर बैन हुई थी तो उसकी लिस्ट निकल के आई थी, जब पबजी बैन हुई थी तो उसकी लिस्ट निकल के आई थी, सरकार ने उसकी लिस्ट शेयर की थी कि इन ऐप्स को हमने बैन किया है। एंड सरकार ने हम सबको बताया था, जितने भी मतलब बंदे उस ऐप्स को यूज करते हैं, कि ये ऐप बैन हो गई है, इसे यूज करना बंद कर दो, है ना। और इसके अलावा अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक न्यूज आ जाती, 2 दिन होने वाले हैं BGMI प्ले स्टोर से उड़ी है। एंड सही बताऊं तो अभी तक जो मुझे पता चला है, मतलब मैं भी आप सबकी तरह सर्च कर रहा हूं, वीडियोस देख रहा हूं, तो जहां तक मुझे अभी तक पता चला है, जो कि अच्छी अच्छी न्यूज चैनल पर मैंने देखा है, अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़े हैं जो मैंने, वहां तक से मुझे अभी ये पता चला है कि सरकार ने कुछ सवालों के जवाब पूछे थे BGMI से, क्राफ्टन से, जो कि क्राफ्टन ने सारे प्रूफ सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। कल इनकी मीटिंग हुई थी शायद, जो मैंने मतलब पढ़ा है, और उसमें ऐसा बताया गया है कि क्राफ्टन ने अपने सारे प्रूफ दे दिए हैं, जो जो उन्होंने पूछा था सब बता दिया है। अब उनका फाइनल डिसीजन क्या होता है वो आपको न्यूज़ चैनल्स पे या फिर हमारे जैसे चैनल्स पे जो मतलब इस टाइप की न्यूज़ कवर कर रहे हैं या फिर इस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं, या फिर क्राफ्टन के ऑफिशियल हैंडल पे या फिर BGMI के ऑफिशियल हैंडल पे, क्योंकि अगर हम इनकी वेबसाइट ओन करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी तक कोई भी न्यूज़ आर्टिकल नहीं आया इनका, खुद ये
आर्टिकल छाप देते अपना, एंड ना ही सरकार की तरफ से कोई ट्वीट या फिर आर्टिकल आया है, तो इस वजह से अब भी कुछ भी कहना सही नहीं है। एंड काफी सारे बंदों की गेम जिनकी ऑन नहीं हो रही, वो अपनी जो गेम है वो वीपीएन लगा के ऑन कर रहे हैं, तो वीपीएन लगा के जो भी गेम ऑन कर रहे हैं उनकी आईडी तो बैन होगी ही होगी कन्फर्म, क्योंकि भाई तुम दूसरी कंट्री का वीपीएन लगा के गेम को बार बार ऑन करोगे। ऐसे डायनमो की एक बार आईडी बैन हुई थी, डायनमो कहीं घूमने के लिए बाहर गया था, उसने अपने चैनल पे प्रॉपर एक वीडियो डाली थी। अब वो वीडियो तो मैं दिखा नहीं सकता अपने चैनल पे, बट आप सर्च करोगे डायनमो की आईडी बैन हुई थी, तो उसने रीजन दिया था कि वो किसी और कंट्री में जाके बार बार बीजीएमआई को खोल रहा था एंड उसकी आईडी बैन हो गई थी, काफी दिनों के लिए बैन रही थी उसकी आईडी, एंड उसके बाद फिर उसने अनबैन करवा ली थी क्योंकि इतना बड़ा क्रिएटर है, इतनी पावर तो है उस पर, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको वीपीएन लगा के नहीं खोलना गेम को, गेम डिलीट नहीं करनी है जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती कि भाई ये बैन हो गई है सरकार की तरफ से, है ना। जब न्यूज़ आ जाएगी उसके बाद हम इस वाली गेम को डिलीट कर देंगे, दूसरी गेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, जब तक न्यूज़ नहीं आती तब तक हम खेल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो यूसी है वो खर्च नहीं करनी है, ना प्ले स्टोर से बाय कर पाओगे यूसी, ना आप ऐप स्टोर से बाय कर पाओगे यूसी, ना ही आप कोडा शॉप से बाय कर पाओगे यूसी, सब जगह से ब्लॉक कर दिया गया है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब गेम्स बैन हुई थी, जब एप्लीकेशंस बैन हुई थी, तो क्या होता है ना इनका लिंक होता है, जैसे ऐप स्टोर का और प्ले स्टोर का लिंक जुड़ा होता है, जब एप्लीकेशन नहीं उड़ गई तो परचेसिंग कहाँ से होगी। अब कोडा शॉप की बात रही तो जब आप जाओगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बीजीएमआई वालों की, तो यहाँ पर जब मैं प्ले स्टोर पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर हम पहले क्लिक करते थे तो बीजीएमआई खुल जाती थी डाउनलोड करने के लिए, बट अभी यहाँ पर आ रहा है कि कोई चीज़ है ही नहीं, नॉट फाउंड लिखा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐप स्टोर के साथ भी सेम यही चीज़ हो रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है। एंड इसके अलावा जब आप बाय यूसी पे क्लिक करते हो ना, पहले कोडा शॉप खुलता था, यहाँ पर यूसी के प्राइस आ जाते थे, बट यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं खुल रहा, एक एरर आ रहा है। एंड आप कोडा शॉप की नॉर्मल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको हर तरह की गेम दिखेगी बट बीजीएमआई नहीं दिखेगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको यूसी खर्च नहीं करनी, अगर आपके पास यूसी है तो लैम्बर्गिनी के स्किन के चक्कर में मत रहना, आपकी यूसी फंस जाएगी। अगर बाय चांस एक दो दिन बाद आपकी गेम बंद हो जाती है तो मिशन कहाँ से करोगे, एक्टिविटी पैक तो आपने ले लिया, एक्टिविटी पैक के जो यूसी है कैशबैक तभी मिलेगी ना जब उनकी एक्टिविटी पैक से जितनी आपने आरपी ली है, आरपी पॉइंट लिए हैं, वो वापस करोगे तभी तो यूसी मिलेगी ना। तो मेरे तो 3000 यूसी फंसी हुई है, मेरा तो कोई नहीं, बट आप अपनी यूसी बचा लेना, ठीक है। पहली बात हो गई आपको कोई वीपीएन नहीं यूज़ करना, दूसरी बात आपको यूसी नहीं यूज़ करनी, तीसरी बात आपको गेम डिलीट नहीं करनी है, चौथी बात अगर आपकी गेम ऑन नहीं हो रही है तो ऑन मत करो, क्योंकि ज़्यादा छेड़खानियाँ करोगे तो फिर आपकी आईडी के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा, बाद में आप रोओगे। एंड हाँ एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपकी बाई चांस गेम डिलीट हो जाती है तो थर्ड पार्टी वेबसाइट से मत डाउनलोड करना, क्योंकि एपीके डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे ना वेबसाइट पे जाके तो यहाँ पर भी आपको एरर दिख जाएगा, यहाँ से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते ऑफिशियल एपीके। अब बाई चांस आपकी गेम डिलीट हो जाती है तो आप डाउनलोड कैसे करोगे, अगर तो कोई ट्रस्टेड बंदा है, ट्रस्टेड यूट्यूबर है, फिर तो उसके लिंक से डाउनलोड कर लोगे तो ठीक रहेगा, बट उसके अलावा कहीं थर्ड पार्टी से मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे ना खुद की एपीके मॉडिफाई करके उसमें लॉगिन करवा के आईडी पासवर्ड ले लेते हैं, बाद में वो आईडी पासवर्ड चेंज करके अपनी आईडी रख लेते हैं, बंदे को मारते हैं लात। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, काफ़ी सारे स्कैम भी बढ़ेंगे। अभी कोई अगर आपको यूसी बोलता है कि मैं तुम्हें खरीद के दे देता हूँ, तो ये सब चक्रों में बिल्कुल मत पड़ना, अभी भूल जाओ, अगर गेम चल रही है तो खेलो, नहीं चल रही तो बहुत सारी गेम है यार मार्केट में, ये अपनी न्यू स्टेट डाउनलोड कर लो, COC डाउनलोड कर लो, एपेक्स लेजेंड डाउनलोड कर लो, बहुत सारी गेम है, अगर नहीं चल रही तो, अगर चल रही है जब तक चल रही है तब तक खेलो, बस यही बोलना चाहूँगा। अभी ऑफिशियल कुछ भी किसी को भी नहीं पता, ठीक है ना, जितने भी बंदे वीडियो बना के बता रहे हैं सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, मैं भी अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरे सामने जो जो आ रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मैं कोशिश करूँगा मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको अप टू डेट रखूँगा इस वाले टॉपिक में, एंड हम काफ़ी सारी न्यू चीज़ें भी ट्राई करने वाले हैं, काफ़ी सारी गेम्स खेलेंगे। बाकी आप कौन सी गेम खेलना पसंद करोगे वो मेरे को कमेंट करके बताना, हम ट्राई ज़रूर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।